माई चैनल आशा फैशन है और मैं हूँ आपकी आशा। एक्चुअली यार वीडियो ना बहुत सारा रिक्वेस्टेड था इंस्टाग्राम पे, मुझे डीएम्स बहुत सारे लोगों ने करी थी, मीन्स बॉयज़ ने करी थी कि क्या आप हमसे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाओगे, आप हमेशा बॉयज़ से रिलेटेड वीडियोज बिल्कुल भी नहीं बनाते, गर्ल्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते, क्या हम आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। वो कारण ये है ना, रीज़न ये है कि मैं गर्ल्स से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ खुद पर, क्या फिर मैं पहले से ही उसको ट्राई की रहती हूँ और उसको एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इवन मैं बॉयज़ की बात करूँ तो मैं उनसे रिलेटेड कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं उनकी सारी चीज़ों को अपने पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, कुछ चीज़ों को कर सकती हूँ कुछ चीज़ों को नहीं कर सकती हूँ। बीएड उसमें से ही एक है, हम फेशियल हेयर से वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उसमें से बीएड वाली कर लें तो अजीब ही हो जाएगा ना, बिट बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा। सो इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट बहुत सारे रिक्वेस्ट आए तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। एक्चुअली इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने बीएड को ना किस तरह से ग्रोथ करें, अगर आपके बीएड ना कहीं निकलते हैं कहीं नहीं निकलते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। एक्चुअली आप इमेच्योर लगते हो, क्यूट लगते हो, बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है बीएड, फ्रैंकली स्पीकिंग, कहीं निकलना कहीं नहीं निकलना और ग्रोथ सही से नहीं होना। तो उस वाली रेमेडी को मैं लेकर आई हूँ इम्प्लीमेंट, यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती तो मैं मेरे बढ़ते हुए बीएड आप नहीं देख पाओगे इस वाले वीडियोज़ में। मैं सिर्फ और सिर्फ रेमेडी शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मैं डीआईवाईज और रेमेडीज पर बिलीव करती हूँ। अगर मेरी तरह आप भी डीआईवाईज और रेमेडीज पर बिलीव कर सकते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट दिन तक आपको देखना ही देखना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इट मीन्स रेमेडी में शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी बीयर्ड्स को इंस्टेंटली कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। फेशियल हेयर से ऑलरेडी परेशान होते हैं तो गर्ल्स अगर आप फेशियल हेयर से परेशान है तो उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं बीयर्ड के लिए, ये वाली रेमेडी आपके बीयर्ड को ना काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी, 3 to 4 वीक में आपको बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेमेडी में हमें क्या क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं बताऊँगी, साथ ही साथ मैं ये देख लेती हूँ कि बीयर्ड एक्चुअली ना सभी को अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, आप सबको तो अच्छे ही लगते होंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम गर्ल्स को अच्छे लगते हैं तो आप बाबा बाबा बन के चले आओ, नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं बीयर्ड। अब थोड़े से बीयर्ड तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आदमी स्मार्ट लगता है, हैंडसम लगता है, कूल लगता है। सो रेमेडी में आपको करना क्या है, बियर्ड को ग्रोथ करने वाली रेमेडी कुछ इस तरह से है। आपने लेना है कोकोनट ऑयल, 41 रुपीज़ आपकी मिल जाएगी ये, तो 2 टेबल स्पून आपको कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें आपको मिक्स करना है 3 टेबल स्पून ऑफ कैस्ट्रोल ऑयल जो किसी भी केमिस्ट की शॉप से आपको मिल जाएगा, और उसमें मिक्स करना है करी पत्ता, या तो करी पत्ता आप घर पर लगा लीजिए यानी कि उसका प्लांट लगा लीजिए, थोड़ा सा तोड़ के आप सुखा लीजिए धूप में और उसको ग्राइंडर से पीस के ना उसका पेस्ट बना लीजिए, या तो मार्केट में सूखे आपको करी पत्ता मिल जाएंगे तो उसका पेस्ट ले लीजिए 2 टेबल स्पून, तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। रेडी है आपका बीयर्ड ऑयल यानी कि बीयर्ड को ग्रोथ करने वाला ऑयल, एप्लीकेशन किस तरह से करना है वो भी देख लेते हैं। बात आती है कि हम इसे लगाएं कैसे, यानी कि इसका एप्लीकेशन कैसे करें, तो जिस तरह से इस रेमेडी को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है उस तरह इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इजी है बट इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला स्टेप आपने करना क्या है, आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। सेकेंड स्टेप आपने अपने फेस को ना स्टीम लेना यानी कि भाप लेना है, अगर भाप नहीं लेना चाहते तो फिर गर्म पानी से बीयर्ड वाली एरिया पे ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके ओपन पोर्स जितने भी हैं ना वो सारे ओपन हो जाएंगे यानी कि खुल जाएंगे, रोम छिद्र वगैरह, तो उसमें ना ऑयल को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो ये थर्ड स्टेप की जो है लगाने का प्रोसेस, तो करना क्या है, आपने थोड़ा सा तेल यानी कि 1 चम्मच तेल लेना है और हाथों में इस तरह से रब करना है 2 मिनट्स तक, और उसके बाद अपने बीयर्ड वाली एरिया पे अच्छे से फिंगर टिप्स की हेल्प से उसको अच्छे से मसाज करते हुए लगाना है। 5 मिनट तक ऐसे ही मसाज करना है और लीव कर देना इसको 2 आवर्स के लिए। अब मैं ये भी कह सकती थी कि 30 मिनट्स के लिए छोड़ो, बट हमें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने हैं, तो 2 आवर्स के लिए आराम से छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको ठंडे पानी से वॉश करना है, गर्म पानी का उपयोग बिल्कुल भी हानिकारक है यहाँ पर, तो ठंडे पानी का उपयोग करना है यानी कि ठंडे पानी से इसको धुल लेना अच्छे तरीके से, इसको डेली से डेली ड्राई करना जब तक आपके बीयर्ड थोड़े से आना शुरू ना हो जाए, फॉलिकल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे
वाला ना, तो उसके बाद बियर्ड ना छोटे से बड़े यानी कि मोटे बालों में ना कन्वर्ट हो जाएगा बहुत सही वाला तरीके से। तो ये रेमेडी ना बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत लोगों से सुना था ये वाला रेमेडी बहुत सही काम करती है, तो आपको जरूर से जरूर ट्राई कीजिए, अपने बियर्ड को ना ग्रोथ कीजिए और स्मार्ट कूल लुक बनिए और सबको ना इंप्रेस कर दीजिए। एक्चुअली ना मुझे बियर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, जरूर से उसको ट्राई कीजिएगा। आई एम सो सॉरी मैं इस वाली रेमेडी को अपने ऊपर नहीं इंप्लीमेंट कर रही हूँ, पर आप ज़रूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को बहुत अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिए उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ किया जाता है, और कमेंट करना ना भूलिएगा अपने एक्सपीरियंस को। तो फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू गाइस, बाय बाय। और गर्ल्स के लिए आई एम सो सॉरी, टाटा बाय बाय।